हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं गोपाल वर्मा सर द्वारा लिखित द इंग्लिश एक्यूमेन के बारे में। यह बुक स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द इंग्लिश एक्यूमेन। यह बुक एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे ग्रामर प्लस वोकेबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंसन, तीनों चीज़ें ऐड करके दी हुई हैं इन्होंने। इसका प्रीफेस भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। गोपाल वर्मा सर जो कि इंडिया में जाने माने इंग्लिश टीचर माने जाते हैं, इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा। बेसिकली मैं जूम करूँगा, बेसिकली अब आप देख पा रहे होंगे, शायद इसमें आप देख पा रहे हैं टेंस, नंबर सेकंड मॉडल, ऑक्सिलरीज। चलिए पहले सेक्शन से बात करते हैं। इन्होंने सेक्शन ए में दिया होगा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में नंबर वन पर टाइम एंड टेंस, नंबर टू मॉडल ऑक्सिलरीज, नंबर थ्री कंडीशनल सेंटेंस, नंबर फोर क्वेश्चन टैग, नंबर फाइव एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नंबर सिक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात जिसको हम नरेशन बोलते हैं। सेक्शन बी में इन्होंने फंक्शनल ग्रामर को डिस्क्रिप्टिव किया है। इसमें नंबर सेवन पर नाउन, नंबर एट प्रोनाउन, नंबर नाइन एडजेक्टिव, नंबर टेन वर्ब एंड वर्ब एडवांस, नंबर इलेवन एडवर्ब, नंबर ट्वेल्व कंजंक्शन, नंबर थर्टीन प्रीपोजिशन, नंबर फोर्टीन आर्टिकल्स, नंबर फिफ्टीन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन उसको कहते हैं बेसिकली जिसमें हम किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है और उसको आवश्यकता से अधिक यूज करते हैं। नंबर 16 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटैक्स भी बोला जाता है। अब इसमें नंबर सेक्शन सी में वोकेबुलरी दी हुई है जिसमें नंबर 70 वर्ड मीनिंग, नंबर 80 रूट वर्ड्स, नंबर 90 सिनोनियम्स, नंबर 20 एंटोनियम्स, नंबर 21 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नंबर 22 इडियम्स एंड फ्रेजेस, नंबर 3 करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, और लास्ट में सेक्शन डी दिया हुआ है जिसमें इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स के बारे में बताया हुआ है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल जिसको हम ABCD के रूप में भी बोलते हैं, PQRS भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें सभी कुछ बताया। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ कितनी हमारे काम की है। यदि हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो कि SSC CGL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम नरेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि टायर सेकंड में लगभग 27 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 27 नंबर के, और एक्टिव पैसिव 22 आते हैं। क्वेश्चन टैग का भी हमें शायद एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और कंडीशनल सेंटेंस इसके तो प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी इसके भी क्वेश्चन हमें शायद प्री में कम मिलते हैं लेकिन मेंस में ज़्यादा मिलते हैं। नंबर बी सेक्शन बी फंक्शनल ग्रामर। अब इसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल सुपरफ्लुअस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन सभी में इम्पॉर्टेंट यदि हम चैप्टर देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी हैं। इनमें एरर से जो हमारे टायर सेकंड में 20 क्वेश्चन आते हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी इसमें बनाया जा सकता है। यदि हम वोकैबुलरी की बात करें तो इस बुक में सबसे अच्छा यदि मैं एडवाइस दूं तो मैं सबसे अच्छा कहूँगा कि इस बुक में वोकेबलरी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव किया गया। ग्रामर को तो बताया ही गया है लेकिन ग्रामर को उतनी अच्छी तरीके से तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये बुरी है, लेकिन जो मैंने इसकी वोकेबलरी पढ़ी है वो बहुत अच्छी है। यदि हम बात करें रूट बर्ड्स के बारे में स्पष्ट बताया गया है, जैसे कि हम बर्ड को SSC में आपने पढ़ाई होगा कि रूट वर्ड्स के द्वारा हम कई वर्ड्स को याद कर सकते हैं निमोनिक के द्वारा, लेकिन इसमें निमोनिक विधि नहीं बताई है। एंटोनियम सिनोनियम्स इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत अच्छे हैं। और यदि हम बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस की तो इडियम्स एंड फ्रेजेस अराउंड 400 के समथिंग है जो कि काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन है। एंड 23 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मैंने जहाँ तक पढ़ा है और मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे सभी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं सभी एग्ज़ाम में इस बुक से करेक्ट स्पेल्ड पूरे सही हुए हैं। यदि हम सेक्शन डी की बात करें कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की, तो
तो कॉम्प्रिहेंसन स्किल्स में जो 24, 25, 26 पर इसमें बताया गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन पैसेज, हम सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में टायर फर्स्ट और सेकंड दोनों में इंग्लिश में लगभग अराउंड 70 to 75 और 80 नंबर तक एक कॉम्प्रिहेंसन स्किल्स हमसे पूछी जाती है। बेसिकली इसमें हमें शायद यदि आपने देखा हो, यदि आपने पिछले पेपर देखे हो तो टायर सेकंड में हमसे लगभग 6 हमें 30 नंबर के कॉम्प्रिहेंसन पैसेज दिए जाते हैं, 25 नंबर के क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं जिसमें हमें खाली स्थान एक लाइन दी जाएगी, उसमें खाली स्थान ब्लैंक दिया जाएगा और उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से हमें एक चूज राइट चूज करना होता है। और यदि हम पैराजम्बल या रीअरेंजमेंट सेंटेंस की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या बताया जाता है, इसमें हमें 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, चारों सेंटेंस में हमें क्रम बताना, सही क्रम को बताना होता है कि इसमें से कौन सा क्रम सही है कौन सा क्रम गलत है। यदि आप इस किताब में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, सबसे पहले टेंस, टेंस में आप देख सकते हैं टेंस को बताया गया अ ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस डिस्टिंक्शन ऑफ टाइम। ऐसी ही ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने अभी तक तो मैंने पूरी पढ़ ली है, कई बार पढ़ी है और मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हाँ एक बुक और, यदि आप टायर सेकंड दे रहे हैं जो कि अभी लॉकडाउन के बाद होगा ही, तो इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, इसके लिए एक बुक आती है वो परफेक्ट, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं और उसके राइटर का नाम, मुझे बुक का नाम याद तो नहीं आ रहा लेकिन मैं राइटर का नाम बता सकता हूँ, राइटर का नाम है अजय कुमार सिंह, हाँ अजय कुमार सिंह की बुक है, वो आप ज़रूर पढ़ें। यदि आप टायर सेकंड देने जा रहे हैं तो आप, मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप वो बुक ज़रूर पढ़ें क्योंकि उस बुक से बहुत सी चीज़ें आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। वो आपने देखा ही होगा कि एसएससी में इंग्लिश का पेपर जो होता है बेसिकली उसमें तो आप लगभग अराउंड 60 to 70% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आते हैं, आपने देखे होंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बाय।